हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ग्रिड इस वीडियो में ग्रिड का इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ग्रिड मटेरियल और टाइप्स ऑफ ग्रिड के बारे में स्टडी करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं ग्रिड के बारे में द ग्रिड इज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव डिवाइस फॉर रिड्यूजिंग द लेवल ऑफ स्क्राइड रेडिएशन द रिचार्ज टू द इमेज रिसेप्टर मतलब इमेज रिसेप्टर या एक्सरे कैसिड तक पहुँचने वाले स्केट्राइड रेडिएशन के लेवल को कम करने के लिए ग्रिड एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव डिवाइस होती है ए डिवाइस दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्केट्राइड रेडिएशन रीचिंग द इमेज रिसेप्टर मतलब ग्रिड एक वह डिवाइस होती है जो इमेज रिसेप्टर मतलब रेडियोग्राफिक कैसिड तक पहुँचने वाले स्केट्रेड रेडिएशन की मात्रा को कम करती है इट इज प्लस्ड बिटवीन पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर मतलब ग्रिड को पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच में रखा जाता है इट वॉज इन्वेंटेड बाई गुस्तेव बक्की इन नाइनटीन मतलब ग्रिड का आविष्कार 1913 में गुस्तेव बक्की ने किया था इट इनान्स इमेज कॉन्ट्रास्ट मतलब यह इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाती है रिमो स्केटरेड रेडिएशन और स्केटर रेडिएशन को कम करती है अब ग्रिड के प्रिंसिपल की बात करते हैं मतलब ग्रिड किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है वेन द प्राइमरी बीम इंटरेक्ट विद द पेशेंट बॉडी मतलब जब प्राइमरी बीम पेशेंट की बॉडी से इंटरेक्ट करता है तो स्केटरेड रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड तो स्केट रेडिएशन प्रोड्यूस होता है दैट मे और मे नॉट बी एब्जॉर्विंग डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रिड मतलब स्केटर रेडिएशन ग्रिड के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस के आधार पर एब्जॉर्व हो भी सकती है और नहीं भी द एंगल ऑफ बीम इज ग्रेटर टू स्ट्रिप्स, इट इज एब्जॉर्ब मतलब यदि स्केटर हुई बीम का एंगल लेड स्ट्रिप्स को परस्पर इंट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त है तो यह एब्जॉर्व हो जाती है अब ग्रिड मटेरियल की बात करते हैं मतलब ग्रिड किस मटेरियल से बनी होती है इट इज मेड ऑफ थिन प्लेट इन विच वेरी थिन स्ट्रिप्स ऑफ लेड इज प्लेस्ड इन ए स्पेसिफिक पैटर्न मतलब जो ग्रिड होती है वह थिन मतलब पतली प्लेट से बनी होती है जिसमें लेड की बहुत पतली स्ट्रिप्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में रखा जाता है द स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप्स आर फ्लेड बाई लो एटेटिंग मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर मतलब ग्रिड में जो लेड स्ट्रिप्स होती है उन स्ट्रिप्स के बीच की जगह को एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर जैसे लो एटिटिंग मटेरियल से भरा जाता है द एंट्री स्पेस मटेरियल इज यूज टू मेंटेन ए प्रिसाइज सेपरेशन ऑफ द लेड स्ट्रिप्स मतलब लेड स्ट्रिप्स के प्रिसाइज सेपरेशन को मेंटेन रखने के लिए एंट्री स्पेस मटेरियल का यूज किया जाता है द होल इज इंक्लोज इन ए एल्यूमिनियम आउटर कवर मतलब ग्रिड पूरा एक एल्यूमिनियम आउटर कवर से इनक्लोज होती है इंटर स्पेस ऑफ द ग्रिड आर फ्लेड विद एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो ग्रिड होती है उसके इंटर स्पेस एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरे होते हैं प्लास्टिक फाइबर कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर रिजल्टिंग इन वार्पिंग ऑफ द ग्रिड मतलब प्लास्टिक फाइबर मॉइस्चर मतलब नमी को एब्जोर्व करता है जिससे ग्रिड वार्पिंग हो सकती है एल्यूमिनियम इज यूज एज द कवर फॉर द ग्रिड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज एंड मॉइस्चर मतलब एल्यूमिनियम का यूज ग्रिड को डैमेज और मोइस्चर मतलब नमी से बचाने के लिए कवर के रूप में किया जाता है अब टाइप्स ऑफ ग्रिड की बात करते हैं ग्रिड टू टाइप की होती है फर्स्ट है स्टेशनरी ग्रिड और सेकेंड है मूवेबल ग्रिड या पोटरबक्की ग्रिड जो स्टेशनरी ग्रिड है वो फोर टाइप की होती है फर्स्ट है पैरल ग्रिड सेकेंड है फोकस्ड ग्रिड थर्ड है क्रॉस्ड ग्रिड और फोर्थ है लीनियर ग्रिड तो सबसे पहले पैरल ग्रिड के बारे में बात करते हैं द लेड स्ट्रिप्स आर माउंटेड पैरल टू ईच अदर मतलब इस ग्रिड में लेड स्ट्रिप्स एक दूसरे के पैरलर मतलब समांतर लगे होते हैं ऑल लेड स्ट्रिप्स आर स्ट्रेट अप एंड डाउन मतलब सभी लेड स्ट्रिप्स सीधे अप और डाउन होते हैं लेस कॉमनली एम्प्लॉयड देन फोकस्ड ग्रिड्स मतलब पैरेलल ग्रिड फोकस्ड ग्रिड की तुलना में कॉमनली कम यूज में ली जाती है पैरेलल ग्रिड ओनली रिड्यूज स्केटर इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रिड लाइंस, मतलब पैरेलल ग्रिड ओनली ग्रिड लाइंस की डायरेक्शन में स्केटर को कम करता है यूज फॉर शॉर्ट फील्ड साइज और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब पैरेलल ग्रिड शॉर्ट फील्ड साइज और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज में ली जाती है नंबर है फोकस्ड ग्रिड फोकस्ड ग्रिड इज मेड अप ऑफ द लेड स्ट्रिप्स दैट आर स्लाइटली टुवर्ड्स द फोकल स्पॉट मतलब फोकस्ड ग्रिड लेड स्ट्रिप्स से बना होता है जो फोकल स्पॉट की ओर थोड़ा सा होता है ए फोकस्ड ग्रिड में भी लीनियर और क्रॉस्ड मतलब एक फोकस्ड ग्रिड लीनियर और क्रॉस्ड हो सकता है द ग्रिड लाइन आर एंगल्ड टू मैच द डाइवर्जेंस ऑफ द बीम मतलब इस ग्रिड में बीम के डाइवर्जेंस मतलब विचलन से मैच होने के लिए ग्रिड लाइनों को एंगल दिया जाता है फोकस्ड ग्रिड आर मार्क्ड विद एन इंटेंडेड फोकल रेंज एंड द साइड द शुड बी टूवर्ड्स द ट्यूब मतलब फोकस्ड ग्रिड को एक इंटेंडेड फोकल रेंज मतलब इच्छित फोकल रेंज और उस साइड से मार्क किया जाता है जो ट्यूब की ओर होता है थर्ड नंबर ग्रिड है क्रॉस्ड ग्रिड क्रॉस्ट ग्रिड आर वेरी इफिशियंट इज रिमूविंग रेडिएशन मतलब क्रॉस्ट ग्रिड स्केट रेडिएशन को रिमूव करने में बहुत इफिशियंट होती है इट कॉन्सिस्ट ऑफ द टू सुपर इम्पोज पेरल ग्रिड दैट हैव द सेम फॉक्सिंग डिस्टेंस मतलब क्रॉस्ट ग्रिड में दो सुपर इम्पोज पेरल ग्रिड होती है जिनकी फॉक्सिंग डिस्टेंस सेम होती है टू पेरल ग्रिड कैन सैंडविचड

लेड स्ट्रिप्स अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब लंबत एक्सिस में एक दूसरे के पैरलर होते हैं स्टेशनरी ग्रिड्स के सभी टाइप्स की बात कर ली, अब मूवेबल ग्रिड और बक्की ग्रिड के बारे में बात करते हैं इट वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर होलिस पोटर इन नाइनटीन ट्वेंटी सो इट इज कॉल्ड ए बक्की ग्रिड मतलब मूवेबल ग्रिड का आविष्कार होलिस ने नाइनटीन ट्वेंटी में किया था इसलिए इसे पोटरबक्की ग्रिड भी कहा जाता है ए मूविंग ग्रिड इज ए डिवाइस इन विच द ग्रिड ऑसिलियट्स वाइल द एक्सरे इज बींग टेकन मतलब मूविंग ग्रिड एक डिवाइस होता है जो एक्सरे लेते टाइम ग्रिड ऑसीलियट्स मतलब ग्रिड मूव करता है द मूविंग ग्रिड मूव कंटिन्यूसली बाय द इलेक्ट्रिक मोटर ड्यूरिंग द एक्सपोजर एंड ब्लर आउट द शेडो ऑफ द लेड स्ट्रिप्स मतलब मूविंग ग्रिड एक्सपोजर के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा चलती है और लेड स्टिप शेडो को ब्लर करती है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में ग्रिड का रेशो ग्रिड फ्रीक्वेंसी, एडवांटेज ऑफ ग्रिड और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिड के बारे में बात करेंगे तो so फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा